हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 7th में संस्कृत का पहला अध्याय प्रथम पाठ का क्वेश्चन आंसर और रिक्त स्थान और प्रथम श्लोक का अर्थ, ये जो चैप्टर है एक्सरसाइज वो मैं आप लोगों को आज कराऊंगी। ये आप लोग देख रहे हैं, पहला में क्या है प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए, दूसरा है रिक्त स्थानों को भरिए और तीसरा है प्रथम श्लोक का अर्थ लिखिए। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है अच्छा से, इसको मैं ब्लैक बोर्ड पे भी करवाती हूँ जिससे कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। संस्कृत पार्ट 1 अभ्यास। अब पहला नंबर में क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। पहला का क्रम लिखिए। क्वेश्चन है इसमें का माता कह च पिता, इसका आंसर क्या होगा? गुरु माता, गुरु च पिता। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आपको मैं कुछ प्रश्न भी लिख देती हूँ क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चे के पास बुक्स ना हो। प्रश्न का माता कह च पिता, इसका उत्तर लिखिए। गुरुर् ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर अस्ति। गुरु जो है वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है और वही साक्षात महादेव है। तो गुरु कौन है? गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर अस्ति। गौर नंबर प्रश्न में है, भारतस्य उत्तर, भारतस्य उत्तर दिशायां कह अस्ति, कह अस्ति। भारत की उत्तर दिशा में, इसमें गौर नंबर क्वेश्चन में है भारत का उत्तर दिशायां कह अस्ति, भारत की उत्तर दिशा में क्या है, इसका उत्तर लिखिए। भारतस्य उत्तर दिशायां
अस्ति। इसमें कह रहा है भारत उत्तर दिशायां कह अस्ति, भारत के उत्तर दिशा में क्या है। भारत उत्तर दिशायां समुद्र समुद्रस्य अस्ति, भारत के उत्तर दिशा में क्या है, भारत के उत्तर दिशा में समुद्र है। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। गौ तक देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर प्रश्न पहला में क्या माता कह चौपिता, उत्तर गुरु माता गुरु चौपिता। खौर नंबर क्वेश्चन में गुरु कह अस्ति, तो क्या होगा गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर अस्ति। तीसरा नंबर में क्या है भारत उत्तर दिशायाम कह अस्ति, तो यहाँ है भारत उत्तर दिशायाम समुद्रस्य अस्ति। अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन प्रश्न और भी है। प्रश्न घ, घ नंबर प्रश्न है भारती कोश भार भारती कोश कवाचायम दिशायां छयम आयति है, छयम आयति इसका उत्तर लिखिए। भारती कोशा वयतो क्षयम् आयति। क्वेश्चन नंबर घ ये कंप्लीट हो गया। भारती कोशा कदा क्षयम् आयति, भारती कोशा वयतो क्षयम् आयति। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर टू में है रिक्त स्थान। अब रिक्त स्थान में क्या है, इसमें कौन नंबर में भरना है, तो हमें पिता यहाँ पे जो फिलप्स है वहां पे पढ़ेंगे माता च पिता, यहाँ पे जो फिलप्स है वहां पे पढ़ेंगे त्वमेव, तुम्हें माता च पिता त्वमेव। उसके बाद दूसरा सुनाएंगे, उसमें यहाँ पे फिलप्स है, फिलप्स में पढ़ेंगे त्वमेव, इसे बंधु लिखा ही है बंधुश्च, फिर यहां फिलप्स पे क्या होगा सखा सखा ये कौन नंबर में क्या है तो मैं व माता, ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वहां होगा माता च पिता तमेव, तमें बंधु सखा तमेव। ये जितना भी है कॉपी में आपको कीजिएगा कौन का ये हुआ। अब इसी का फिर से करते हैं। ख नंबर क्वेश्चन नंबर टू ख, ख में वही फिलिंग में ब्लैंक्स है उत्तरंग उत्तरं यत् समुद्रस्य
यहाँ पे फिलिप्स है, यहाँ पे क्या होगा हिमादि उत्तर दिशा में, उत्तर उत्तर के समुद्र जो है हिमादि दृश्चैव, उसके बाद है दूसरे लाइन में है बरसम तद तद, ये जो हलंत शब्द है ये जो है ये हलंत है, हलंत बिना हलंत के संस्कृत का जो शब्द है वो अधूरा है, ये हलंत विसर्ग बिंदु कहाँ क्या है उच्चारण ये सब ध्यान रखना होगा। तद भारतम भारतम नाम भारती भारती यत्र संति, अब यहां से जो है ये सब फिलिंग द ब्लैंक्स है, जहां भी अंडरलाइन किया हुआ है वो क्या है वो फिलिंग द ब्लैंक्स है, आप लोगों को समझ में आ जाए कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर दी हूँ। उसके बाद जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है तीसरा नंबर देखिए अश्लोकार, इसमें कह रहा है प्रथम अश्लोक का अर्थ लिखिए, ये देखिए प्रथम अश्लोक का अर्थ लिखिए। अब प्रथम अश्लोक क्या है, प्रथम अश्लोक यही है तुमेव माता तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु सखा तुमेव, इसका अर्थ मैंने उस दिन भी समझाया था, तुमेव तुमेव का मतलब होता है तुम प्लस ए, मीन्स इसका संधि विच्छेद करेंगे तो तुम प्लस ए मीन्स क्या हो गया तुमेव, तो तुम का मतलब तुम, ए का मतलब ही, तुम ही हे ईश्वर तुम ही माता हो तुम ही पिता हो तुम ही बंधु हो तुम ही सगे संबंधी हो, इसका अर्थ आप लोग खुद भी लिख सकते हैं लेकिन मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, फेयर कॉपी में आप नोट कीजिएगा, फेयर कॉपी बनाइएगा उसी में चेक होगी। अब यहाँ पे लिखिए अशोक का अर्थ, अशोक का अर्थ प्रथम अशोक है, यहाँ पे प्रथम अशोक का अर्थ, अब प्रथम श्लोक में कवि जो है वो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे लिखो प्रस्तुत कविता बंधनम में प्रथम श्लोक का प्रथम श्लोक का अर्थ अर्थ प्रथम श्लोक का अर्थ के अर्थ के बारे में अर्थ के बारे में कभी यह कहना चाहते हैं कि हे ईश्वर हे ईश्वर तुम ही माता हो तुम ही पिता हो तुम ही भाई बंधु और मित्र हो,
और तुम ही मेरे मित्र हो। अब मैं इसको पढ़ के सुना देती हूँ। प्रथम कविता बंधनम में प्रथम श्लोक का अर्थ के बारे में कवि यह कहना चाहते हैं कि हे ईश्वर, क्योंकि वो जो पहला जो श्लोक है ये क्या है, तुम्हें बमाता च पिता तुम्हें तुम्हें गबंधु सखा तुम्हें, इसमें यही है तुम्हें बमाता, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु। बंधु मीन्स होता है सगे संबंधी, भाई। सखा मीन्स होता है मित्र, तुम ही मित्र हो। यहाँ पे मैंने लिखा है प्रस्तुत कविता बंधनम में प्रथम श्लोक का अर्थ के बारे में कवि यह कहना चाहते हैं कि हे ईश्वर, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही भाई बंधु और मित्र हो, मेरे मित्र हो। थैंक्स। इसको आपको कॉपी में नोट करना है। धन्यवाद।